हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगस्त के करंट अफेयर्स को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पूरे महीने के जो इम्पोर्टेंट इवेंट यानी कि जो घटनाएं हुई है, चाहे वो वैज्ञानिक प्रगति हो यानी कि साइंटिफिक रिसर्च वगैरह की गई हो, किसी साइंटिस्ट को प्राइज मिला हो, या फिर स्पोर्ट्स का इवेंट हो, या फिर नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट हो, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले मैंने सेप्टेम्बर का भी वीडियो बना रखा। जी हाँ, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। एक्चुअली एग्जाम जैसे जैसे डेट अनाउंस हो रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस जो है तैयार कर रहा हूँ। तो सेप्टेम्बर वाला करंट अफेयर्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उसे जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वो होने वाला है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान यानी कि द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब है ग्रीस, यानी कि ग्रीक ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सबसे बड़ा जो है सम्मान दिया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं ग्रीस की, तो देखिए ग्रीस का ये जो है ना सेकेंड जो हाईएस्ट अवार्ड है, यानी कि उनके यहाँ इससे बड़ा जो है सम्मान दिया जाता है। जैसे कि इंडिया में सबसे बड़ा सम्मान क्या है, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण हम लोगों ने जो है शिंजो आबे जो कि जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी हम लोगों ने ये दिया हुआ है पुरस्कार। तो इसी तरह से मोदी जी को जो है सेकेंड हाईएस्ट जो अवार्ड है ग्रीस का, वो मिला हुआ है। किस लिए मिला है, क्यों? तो नरेंद्र मोदी के जो आर्थिक प्रगति है यानी कि जो इन्होंने जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ाई है, इसके लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है कि ये जो पर्यावरण के प्रति क्या है, सजग है और अपने देश में जो है नए नए उपाय ला रहे हैं जिससे जो है कार्बन एमिनेशन को कम किया जा सके, यानी कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। यहाँ से आप जो है ये देख सकते हो ग्रीस की ये जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दे रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किस शहर को दिया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इंडिया स्मार्ट सिटी में सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी किसे मिला है, तो देखिए इसका सही जवाब है इंदौर, और ये ऑप्शन डी में आपको मिलेगा। सबसे साफ सुथरा जगह भी इंदौर है और इंदौर को सबसे स्मार्ट सिटी का या बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड नंबर पे कौन है, तो देखिए सेकेंड नंबर पे आपको मिलेगा सूरत। सूरत जो है सेकेंड नंबर पे है और ये गुजरात की जो है सिटी है। तीसरे नंबर पे कौन मिलेगा आपको, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का आगरा मिलेगा, ठीक है। और स्मार्ट सिटी लागू करने में सबसे ज्यादा जो है एमपी आगे है, यानी कि राज्य का जो सबसे बेहतरीन पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। यहां से जो है आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको शहर मिलेगा, लगता आपको जो है दिख सकते हो कि आप कितनी जो है साफ सफाई यहां पे आपको देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाएगा, यानी कि ये नई अनाउंसमेंट है, सेलिब्रेट हम लोग करेंगे, ये जो है वेरी फर्स्ट टाइम है। तो देखिए 23 अगस्त को हम लोग जो है इसे सेलिब्रेट करेंगे। अब क्यों करेंगे 23 अगस्त को सेलिब्रेट, क्योंकि हम लोगों ने चंद्रयान 3 जो है मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया और हम लोग इंडिया के जो यूथ है, इंडिया के जो बच्चे हैं, उनके बीच में जो है रुचि पैदा कर सके, उनके बीच में जो है वैज्ञानिक सोच पैदा कर सके, इसलिए जो है हम लोग चंद्रयान 3 के सफल प्रशिक्षण को यानी कि जो सफल सुरक्षित लैंडिंग था, सॉफ्ट लैंडिंग था चंद्रमा पे, उसके दिन ही जो है हम लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे 23 अगस्त को। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो लैंडर विक्रम था, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था, आपको पता ही है, जो लैंडर विक्रम था वो उतरा, ठीक है, और उस पॉइंट को नाम क्या दिया गया है, तो देखिए उस पॉइंट को नाम दे दिया गया है शिव शक्ति। याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछा जा सके, शिव शक्ति। और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, यानी कि जो वो गाड़ी था जो कि अलग अलग जगह पर जाकर जो है वो सैंपल इकट्ठा कर रहा था, सोडियम वगैरह वहां पर मिला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां से आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो, हाल ही में किस आईटी कंपनी इंफोसिस ने, देखिए एक कंपनी है आईटी जिसका नाम है इंफोसिस और आप लोगों ने इनका नाम सुना ही होगा। अब आपको बताना है इन्होंने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है। तो देखिए किसे बनाया है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली, मारिया शारापोवा, राफेल नडाल या फिर रोहित शर्मा। तो देखिए इसका सही जवाब है राफेल नडाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा अगले 3 साल तक जो है ये बने हुए रहेंगे किसके, इंफोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि पूरे वर्ल्ड के तौर पर जो है इनको रखा गया है। अब राफेल नडाल से सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस देश के जो है खिलाड़ी है, तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के ये रहने वाले हैं और बहुत सारा जो है इन्होंने
नाम कमाया है अपने पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जो है जीता हुआ है। समझ सकते हो कितने बड़े ये खिलाड़ी हैं। दूसरी बात, ये जो इंफोसिस कंपनी है, नारायण मूर्ति की ये कंपनी है, याद रखिएगा, नारायण मूर्ति और इनकी जो बेटी है, इनकी शादी जो है ऋषि सुनक जो कि इंग्लैंड के पीएम है उनके साथ हुई थी। आई होप कि आपको सारी बातें जो यहां से क्रिस्टल क्लियर होगी। राफेल नडाल की आप टेनिस खेलते हुए फोटो देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे। सवाल क्या पूछा जा रहा है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय का नाम आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। जी हाँ, गोल्डन बॉय भी इनको कहा जाता है, गोल्डन आर्म भी इनको कहा जाता है। और ये जो चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ये कहां आयोजित की गई थी, ये जो है बुधापेस्ट में आयोजित की गई थी। बुधापेस्ट कहां है आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे इंडियन बॉलीवुड मूवी में आप देखोगे ये बुधापेस्ट की जो है अलग अलग इमेज आपको दिखाई पड़ेगी। और ये बुधापेस्ट कहां है, हंगरी में है, याद रखिएगा, ये आपको हंगरी में मिलेगा। हंगरी एक देश है और बुधापेस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो है हर 2 साल में जो है ये आयोजित की जाती है, हर 2 साल में ये आयोजित की जाती है। और अगला जो आपको वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होता हुआ दिखेगा वो जापान में होता हुआ दिखेगा, याद रखिएगा इस बात को। और जापान के कहां पे, किस शहर में, तो याद रखिएगा टोक्यो में ये आपको होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां से आप नीरज चोपड़ा की फोटो भी देख सकते हो। डेफिनेटली ईच इंडियन, एवरी इंडियन नो हिम प्रीटी वेल एंड सेलिब्रेट हिम। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है देखिए, बंगाल मेले, ये बब गवाल मेले है या फिर देवी धुरा मेला, ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखो यहां से आपको फोटो दिख रही होगी और कमाल की बात है कि ये जो है पत्थरों से बचने के लिए ये जो ढाल है इसे ये रखते हैं और इसका आयोजन जो है पत्थर से बचने के लिए किया जाता है। और ये कहां होता है, तो यूके में। और यूके में ये कब होता है, देखिए उत्तराखंड में ये होता है, लेकिन कब, रक्षाबंधन के समय में इसका आयोजन किया जाता है। और उत्तराखंड सरकार ने इसे राजकीय मेला, यानी कि जो इनकी बड़ी बड़ी मेला है उसमें जो है इसका नाम शामिल कर लिया गया है। और उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, बहुत बड़ी बात होगी कि आप लोग नीचे कमेंट करके बताओगे। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम बता देना है, राजस्थान के सीएम का नाम बता देना है, और जम्मू कश्मीर, कश्मीर क्या होता है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको हिंट दे दूं, ये जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट है ये उत्तर प्रदेश में पहले जो है एमपी वगैरह रह चुके हैं। आई होप कि आपको जो है सारी बात, यहां से आप जो है और भी दूसरी इमेजेस देख सकते हो। यहाँ पे देखो लोग जो है, यहाँ पे ये अलग अलग छतरी है, इसके नीचे जो है अपने आपको बचा रहे हैं, छुपा रहे हैं। ठीक है, और यहां से देखो एक इंसान जो है पत्थर फेंक रहा है, ये कोई दंगा या मारपीट वाली बात नहीं है, ये त्यौहार है, मेला है, यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ इस तरह के जो है प्रतियोगिता की या कंपटीशन की आयोजन की जाती है। यहां से आप एक और भी इमेज देख सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता है, महिला फीफा फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप जो है किसने जीता है, ये आपको बताना है। स्पेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने या अर्जेंटीना ने। तो इसका देखिए सही जवाब होगा स्पेन, और स्पेन के राफेल नडाल भी थे, इस बात का याद रखना है आपको। और ये कहां हुआ था, ये चैंपियनशिप कहां हुआ था, ये भी सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला था। ठीक है, कहां मिला था देखने में, ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में, तो याद रखना है आपको सिडनी में ये आपको देखने को मिला था। कहां पे, सिडनी में। और स्पेन ने जो है किसे हराया था, 1-0 से इंग्लैंड को हराया था, किसे, इंग्लैंड को हराया था, इस बात को आपको याद रखना है। और यहां से जो आप फोटो देख सकते हो, देखिए स्पेन जीता हुआ है यहां पे, बहुत अच्छी प्यारी फोटो है। और यहां पे डिफीट किसे, इंग्लैंड को, 1-0 से हराया था, और स्पेन के कैप्टन ने ये गोल किया था, इसको भी आपको याद रख लेना है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहला देश कौन बन गया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी है, और इसका जवाब हर भारतीयों को पता है, हर भारतीय यूट्यूब पे, टेलीविजन पे इस इतिहास को होते हुए देख रहा था। ये जो गौरवान्वित इतिहास है हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, ये होता हुआ जो है हर भारतीय ने इसे जो है विटनेस किया था, देखा था, गवाह बना था। इसका सही जवाब देखिए क्या है, ऑब्वियसली भारत जो है यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बना था। याद रखिएगा इस मिशन का मुख्य जो मोटिव है, यहां से देखो ये आपको जो है प्रज्ञान रोवर दिखता हुआ, कि ये प्रज्ञान रोवर करने वाला क्या था, ये जो है यहाँ पे मिनरल्स की खोज करेगा कि मून के सरफेस पे कौन कौन से मिनरल्स के चांसेस है, और सॉइल का जो है ये
इसके बारे में रिसर्च करेगा सॉइल के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिल सकती है। तो सॉइल और मिनरल्स का इन्होंने जो है यहाँ पे रिसर्च करा था, और यहाँ से आप जो है चंद्रयान 3 की और भी फोटोज वगैरह देख सकते हो। और इससे पहले देखिए, सबसे पहले सोवियत यूनियन, फिर अमेरिका यानी कि यूएस, फिर चाइना और फिर इंडिया जो है यहाँ पे पहुंच चुका है। चौथा कंट्री है मून पे लैंडिंग की, ये देखो ये मून पे लैंडिंग की बात की जा रही है, लेकिन साउथ पोल पे देखो यहाँ पे हम लोगों ने ही सिर्फ लैंडिंग करी है। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, आपसे ये सवाल पूछा गया है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, ये सवाल है आपका। ठीक है, सबसे पहले देखिए ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है, देखिए बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसमें जो है आपको अलग 5 कंट्री देखने को मिलेगा, लेकिन अभी की जो रिसेंट में इसकी बैठक हुई, मीटिंग्स हुई वहां पे, और सर्वसम्मति से यानी कि टोटल फुल मेजोरिटी के साथ जो है कुछ और देशों को यहाँ पे शामिल करने की बात कही गई है, और ये मीटिंग कहाँ हुआ था, ब्राजील में। इससे पहले के 2-3 मीटिंग जो है कोविड की वजह से जो है ये जो है ऑनलाइन वर्चुअली जो है इसे किया गया था, वर्चुअली जो है नेता एक दूसरे के सामने जो है ऑनलाइन मिले थे। ठीक है, और 2009 में ये साउथ अफ्रीका में यहाँ पे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सॉरी ये जो है 2009 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ब्रिक्स का फॉर्मेशन जो है 2009 में हुआ था, मैं क्या बोल गया। आगे बढ़ते हैं, और यहां से देखो ब्रिक्स के जो लीडर हैं, 5 लीडर हैं यहाँ पे आपको, इंडिया, चाइना, रसिया, एक्चुअली रसिया के यहाँ पे आपको व्लादिमीर पुतिन नहीं दिखाई दे रहे होंगे, उनके विदेश मंत्री सर्गेय लावरोव जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, दूधगाडू जो बटर फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है, ये सवाल है। तो देखिए दूधगाडू यानी कि बटर फेस्टिवल जो है उत्तराखंड, फिर से एक बार इसका जवाब हो जाएगा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं पैदल, और ये घर से जो है फल दूध वगैरह जो है लेकर जाते हैं, और यहाँ पे ये जो है पिकनिक टाइप का यहाँ मनाते हैं, और अपने आराध्य देवताओं की जो है ये पूजा करते हैं, उनकी जो है प्रार्थना करते हैं, और ये पूजा में ये क्या किया जाता है कि पशु और फसल और अपनी जो उन्नति है, समृद्धि है और शांति है, इसके लिए ये क्षेत्र की खुशहाली के लिए यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ से जो है आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, लोग एक दूसरे के ऊपर जो है मक्खन भी लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अलग अलग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, दैट्स प्रीटी कूल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगला क्वेश्चन है 46th विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के कुल कितने पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं। भारतीय पहलवान यहाँ पे आए थे कुश्ती यानी कि रेसलिंग चैंपियनशिप में। अब आपसे पूछा गया कि इन्होंने कुल कितने जो है अवार्ड यहाँ पे जीते हुए हैं, तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब होगा, ये सबसे पहले आप जान लो ये हुआ कहाँ था, ये जो है रेसलिंग चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पे, अंडर 20 जो है रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा ये जॉर्डन में जो है आयोजित की गई थी। ठीक है, पहली बात मेजबान कंट्री का नाम मैंने आपको बता दिया। इंडिया ने टोटल जो है यहाँ पे 14 मेडल्स जो है यहाँ पे जीता हुआ है। अब आप पूछोगे कि ठीक है गोल्ड कितना जीता है इंडिया ने, तो देखिए 4 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल यहाँ पे इंडिया ने जीता है, और 7 ब्रॉन्ज मेडल जो है इंडिया ने यहाँ पे जीत लिया था। तो इसे भी आप लोग जो है ब्रैकेट में लिख लेना, एटलीस्ट गोल्ड वाले जो टेबल है इसे तो जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार यहाँ पे ये पूछा जा चुका है। और सबसे ज्यादा जो है कुश्ती यानी कि रेसलिंग चैंपियनशिप में नंबर 1 पे कौन रहा था, तो याद रखिएगा ये कंट्री है ईरान। ईरान ने यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा मेडल जीते हुए थे। ठीक है, यहाँ से आप जो है इंडियन टीम को देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, हु वन द एंटरप्रेन्योरशिप चैंपियनशिप 2022 और 2023 यानी कि 2022 और 23 का जो एंटरप्रेन्योरशिप है चैलेंज, ये किसने जीता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है लीना लेगो। देखिए एक्चुअली ये एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड आपने स्टार्टअप वगैरह बहुत सुना होगा, एक्चुअली जैसे फिजिक्स वाला का नाम बहुत पॉपुलर है, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ये जो नई नई कंपनियां आती है ना जिनके पास पैसे कम होते हैं, ये शुरुआत करते हैं नए इनोवेटिव आइडिया के द्वारा, अब उनके द्वारा जो ये एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज किया जाता है। तो देखिए नीना लेगरो जो इनका नाम है, इनको ये अवार्ड क्यों मिला है, इसका रीजन है ये हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी बनाते हैं यानी कि हाथ से ये ज्वेलरी बनाते हैं, और चाय, अचार और पापड़ वगैरह जो है इनके द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, इनको जो है 5 लाख का पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय यानी कि जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे दिया गया है। सबसे पहली बात ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है, तो देखिए साइंस में जो है इनक्रेडिबल योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो राज क्षेत्र, ये जो चेट्री हैं, इनको ये अवार्ड मिला हुआ है इंडिया की ओर से, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहां से आप फोटो नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं। चर्चा में रही नमो 108। देखिए सबसे पहली बात है, नमो से आपको एक नाम याद आ रहा होगा, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, उनका एक्रोनिम है
NA और MO को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी को। और नमो 108 जो है, ये फूल जो है आपसे पूछा गया किस प्रजाति की है, तो देखिए इसका सही सही जवाब है कमल, लोटस का ये फूल है। और यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, एक्चुअली इसमें 108 पंखुड़ियां हैं। कितने हैं? 108। और ये जो इसको जो है ये तैयार किया गया है कहां पे, इस तरह की एक्टिविटी कहां होती है? NBA में, NBRI में होता है। और इसका मुख्यालय आपको लखनऊ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। तो इस बातों को जो है ख्याल रखना है, एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, ये फोटो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ से देखो, फुटबॉल के लीग कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? हु हैज वन द लीग कप 2023 टाइटल ऑफ अ फुटबॉल? तो देखो इसका सही जवाब आपके सामने ये रहा, ऑप्शन नंबर बी। यहां से देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसे जीता, अच्छी बात है, लेकिन किसे हराकर जीता? तो देखिए यहां पे सबसे पहले ये जान लो, मैनचेस्टर यूनाइटेड में मेसी, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, 10 नंबर वाली जर्सी देखी होगी, और ये अर्जेंटीना के कैप्टन भी हैं, और इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, ठीक है। और मेसी ने इसे जीता हुआ है, और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। अब जो है ये बात आती है कि लीग कप 2023 जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो देखिए ये हर साल जो है यूएसए यानी कि अमेरिका और कनाडा में आयोजित की जाती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल के हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से जो है फोटो भी आप देख सकते हो। और मेसी को तो डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कोई इसे इन्हें जो है पहचानता है और सम्मान करता है। आगे बढ़ेंगे, मालाबार वॉर एक्सरसाइज जो है ये 2023 में किस देश में आयोजित किया गया? तो देखिए ये वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आयोजित किया गया था, और इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए एक्चुअली क्वाड कंट्री जो है यहाँ पे ये एक्सरसाइज करती है एक दूसरे के साथ मिलकर, ताकि चाइना का जो यहाँ पे जो डोमिनेंस है सी में उसे काउंटर किया जा सके। चाइना जो है फिशिंग कर लेता है आकर दूसरे के टेरिटरी में, और बोलता है कि ये इंटरनेशनल टेरिटरी को मानते नहीं है। इसका रीजन है क्योंकि इनके बहुत सारे जहाज जो है ये मछली को फिशिंग करते हैं, और फिर अपने देश में से अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर लेते हैं दूसरे के टेरिटरी में जाकर। ऑस्ट्रेलिया टू कंडक्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हाल में ही चर्चा में रही हेनरी जो हिलेरी तूफान है, किस महाद्वीप को इसने प्रभावित किया है? सवाल आपसे ये पूछा गया है, इसका सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को ये प्रभावित किया हुआ है। अब याद रखिएगा ये 84 वर्ष में आया हुआ सबसे खराब तूफान था, और इसकी शुरुआत जो है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर से हुआ था। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहां से देख सकते हो आप इसे, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, चर्चा में रहा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में है? देखिए ट्यूलिप गार्डन जो है ये कहां है, ये आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। यहां से आप फोटो देख लो, क्या कमाल की फोटो आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और इसका जो जवाब है यहां से आप देख पाओगे, इसका जो सही जवाब है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग में जाओगे तो आपको ये बेहतरीन नजारे देखने को मिलेगा, ठीक है। और 30 हेक्टेयर में, याद रखिएगा 30 हेक्टेयर में जो है इसे उगाया गया है, 30 हेक्टेयर में, और 68 टाइप्स के अलग अलग जो है ट्यूलिप यहाँ पे हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2007 में, इसकी शुरुआत जो है 2007 में की गई थी, ठीक है। यहां से फोटो एक बार फिर आप देख सकते हो ट्यूलिप गार्डन की। अगला सवाल देखो, चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखो ये सही जवाब है मैक्सन कार्लसन ने, ये जो है पुरस्कार मैक्सन कार्लसन ने ये चीज इस चैंपियनशिप को, इस वर्ल्ड कप को जीता है। और हराया किसे है? तो देखिए आर प्रगनंदा जो कि इंडिया से आते हैं, तेलंगाना सॉरी तमिलनाडु से ही आते हैं, और इनको इन्होंने हराया है। बहुत कम उम्र की, कम जो है इनकी उम्र है, यहाँ से आप फोटो भी देख सकते हो, ये बहुत ही छोटे उम्र के हैं, और ये जो है बहुत बड़े उम्र है। खैर ये बहुत आगे जाएंगे, अभी बहुत इनके पास समय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, चर्चा में रही छड़ी मुबारक का संबंध भारत के किस यात्रा से है? तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब मैं बता दूं, अमरनाथ यात्रा से इसका संबंध है। और ये जो छड़ी मुबारक है इसमें जो है ये चांदी का जो है छड़ी है, सिल्वर की जो है ये स्टिक है, और इसमें मान्यता है कि इसमें जो है भगवान शिव की जो है शक्तियां हैं। किसकी शक्तियां हैं? शिव की। यहां से जो आप इसको इसकी जो है फोटो भी आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस स्पोर्ट्स पर्सन को यानी कि किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन बनाया है? तो देखिए सचिन तेंदुलकर जी को यहाँ पे उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, नेशनल आइकन बनाया है, ताकि ये युवा पीढ़ी को मतदान के प्रति, उनके वोटिंग राइट के प्रति जो है सजग बना सके, और सही कैंडिडेट का वो चुनाव कर पाए, यानी कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कर पाए, इसके लिए सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यानी कि जो 21 का
सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो देखिए थाईलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम देखिए क्या है। ऑप्शन ए यानी कि श्रेथा थाविशिन, कैसे से प्रनाउंस करेंगे नहीं पता, यही इनका है। और ये थाईलैंड के थर्ड पीएम है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पीएम ये हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट यहां से आप जो है इनके इनकी जो है फोटो भी देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पे यानी कि वेरी फर्स्ट रैंक जो है किसने हासिल करी है? तो मैंने आपको कहा ना इंदौर सिटी स्मार्ट सिटी भी है, सबसे क्लीन सिटी भी है, और सबसे ज्यादा जो है आपको स्वच्छ हवा भी वहीं पे मिलेगी। जहां पे सफाई होगी वहां पे आपको सबसे ज्यादा जो है स्वच्छता भी मिलेगी। नंबर वन पे इंदौर है, नंबर दो पे आगरा है, आगरा भी जो है स्वच्छ है, और तीसरा जो शहर है जिसकी हवा जो है बहुत स्वच्छ है शानदार है वो है थाने। ये आपको कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में ये मिलेगा थाने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ से जो है आप इंदौर की जो है कुछ तस्वीरें देख सकते हो। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, 11th यानी कि 11वीं एशियन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत ने कुल 9 पदक यहाँ पे जीते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, 2001 में जो है ये जो एशियन जूनियर विश्व चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत की गई थी कब? 2001 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कब इसकी शुरुआत की गई थी ये भी आपको जानना जरूरी है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी का नया प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? ये सवाल है। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। हेडक्वार्टर आपसे पूछ दिया जाए यानी कि मुख्यालय कहाँ है इसका, तो देखिए मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में, नोट डाउन कर लेना है आपको। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाल में ही प्रसिद्ध सांख्यिकी सी आर राव का निधन हो गया है, उन्हें सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लो कि ये बहुत अच्छे स्टैटिक्स पर्सन थे और इनके जो है हाल में ही डेथ हो गई है, ठीक है। ये बात तो यहाँ पे ऑप्शन में भी लिख दिया गया है। तो देखिए 2023 में जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से जो है इनको सरकार सम्मानित कर चुकी है, विभूषण भी इनको मिल चुका है। और मैंने आपको कहा कि भारत रत्न के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण। यहाँ से आप जो है इनकी फोटो भी देख सकते हो, ये इनकी जो है डेथ हो चुकी है, भगवान इनको इनकी आत्मा को शांति दे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2003 का हॉकी का खिताब किसने जीता है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने इसे जीता है। कितनी बार जीते ये जो ये 2023 में हम लोगों ने ये कप जीता है, और ये हम लोगों की जो है फोर्थ, ये जो है हम लोगों ने 4 बार अभी तक इसे कंप्लीटली जीत चुके हैं हम लोग। और आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? तो याद रखिएगा मेन्स टीम के जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। चलिए अगले सवाल के हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ से जो है आप हरमनप्रीत सिंह और उनकी टीम को देख सकते हो, यानी हमारी भी टीम है ये जिन्होंने इसे जीता है। अगले सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे? जो 77th इंडिपेंडेंस डे था उसकी थीम क्या थी? तो देखिए इसका सीधा सा जवाब है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि देश हमेशा से हम लोगों से आगे रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, हर घर तिरंगा की भी शुरुआत की गई थी कि हर घर में जो है 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाए। इसरो के पहले सोलार मिशन का नाम क्या है? बहुत आसान सा सवाल है, आदित्य L1। और याद रखिएगा लैग्रांजिस पॉइंट ऐसा होता है जहां से जो है, यहां से आप इसकी जो है फोटो भी देख सकते हो आदित्य L1 की। और आदित्य L1 मिशन जो है लैग्रांजिस 1 यानी कि L1 पॉइंट पे रखा जाएगा, जहां से हम कंटिन्यूअसली जो है सन के एक्टिविटी को, यहाँ से जो है देखो यहाँ L1 पे, यहाँ पे हम लोग का मिशन जाएगा और सन की जो एक्टिविटी है उसे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगला सवाल देखो, प्रो पंजाल लीग का पहला सीजन किसने जीता है? तो देखिए प्रो पंजाल लीग का जो पहला सीजन है वो कोची KD ने जीता है, और किसे हराया ये भी सवाल है। तो देखिए रनर अप टीम जो रही थी यानी कि उप विजेता टीम थी वो थी किराक हैदराबाद। और टोटल कितने टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया था? तो टोटल 6 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन करी थी, ठीक है। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आईसीसी के द्वारा जुलाई माह का जो है आईसीसी वुमेन्स ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो देखिए इसका सही जवाब है गार्डनर, और इससे पहले भी जो है पिछले मंथ की यानी कि जून की भी यही रह चुकी है। और आज ही जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ
सुमन गिल को जो है सितंबर महीने का जो है क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना गया है। किसे? सुमन गिल को। याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। यहां से जो आप इनकी गार्डनर की भी फोटो देख सकते हो, और मेल आई मीन जो मेंस की बात करूं मैं, तो जुलाई के लिए जो है क्रिस वोक्स जो कि इंग्लैंड के हैं उनको यहां पे चुना गया था। अगला सवाल देखिए, हाल में ही कांटा कुंडा आल्हा का निधन हो गया है। अब आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और ये बहुत बड़े स्कॉलर थे संस्कृत भाषा के और तेलुगु भाषा के, और 15 किताबें इन्होंने लिखी है, तो बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी इनकी रही थी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। देखिए इसका सही जवाब है आर दोर स्वामी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और इनका जो कार्यकाल है 1 सितंबर से शुरू होगा 2023 से, और अगस्त 2026 में जो है इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपसे सवाल में पूछ दिया जाए कि LIC के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ मोहंती जो है ये यहाँ पे क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा, यहाँ से जो है आर दोराई स्वामी की जो है फोटो आपको दिख रही होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। UEFA चैंपियनशिप लीग 2023 के द्वारा जो है किसके द्वारा ये जीता गया है? तो इसका सही जवाब देखिए, मैनचेस्टर सिटी इसका सही जवाब है। मैनचेस्टर सिटी यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 1-0 से इन्होंने ये जो है टूर्नामेंट जीता था। ठीक है, 2022 में जो रियल मैड्रिड है 2022 में ये जीता था। खैर इस करंट अफेयर्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, और यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल है, भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल, देखिए भारत में भारत के ही तकनीकों का इस्तेमाल करके ये प्रबल रिवॉल्वर बनाई गई है, और ये सबसे शक्तिशाली रिवॉल्वर जो है हमारे देश में, सबसे पहली बात। और 18 अगस्त को जो है इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा माया क्या है? माया के बारे में आपको बताना है। तो देखिए माया जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आप मोबाइल फोन चलाते हो वो एंड्रॉयड पे चलता है, अगर आप लैपटॉप चलाते हो तो वो विंडोज पे चलता है ना, और इसी तरह से एप्पल जो है वो iOS पे चलता है। तो इसी तरह से भारत का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है माया, जो कि अधिकतर सरकारी जो ऑफिसेस है वहां पे इसका काम में जो है से लिया जाएगा। याद रखिएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्री और ओपन है, और इसका एक ही मोटो है कि ये मालवेयर से बच सके, यानी कि जो वायरसेस है इस पे अटैक ना कर पाए। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, ये सिम्बॉलिक फोटो है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हाल में ही कोलकाता में विंध्यगिरी युद्धपोत को लॉन्च किया है इन्होंने, और ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब है 17A प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है, और इसका नाम जो है आपको विंध्यगिरी युद्धपोत दिख रहा होगा, ये कर्नाटका के एक पर्वत श्रृंखला के नाम पे इसे रखा गया है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। और यहाँ से आप द्रौपदी मुर्मू की फोटो देख सकते हो, इन्होंने जो है इनॉग्रेशन किया है यहाँ से आप, और इस युद्धपोत को भी आप यहाँ से देख सकते हो। अगला सवाल है, खेल महारान जो है किस स्टेट से रिलेटेड है? तो देखिए ये आसाम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आसाम से। नवंबर में जो है ये स्टेट में जो टैलेंटेड प्लेयर हैं उसको आगे लाने के लिए जो है एक खेल प्रतियोगिता कराए जाने की घोषणा की गई है। असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा, उनके द्वारा जो है ये किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहां से जो देख सकते हो अलग अलग वॉलीबॉल या फिर जो कल्चर है वहां पे युवाओं को जो है खेल के प्रति जागरूक करने की बात की गई है। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिस जो पुलिस कर्मी है उनको पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब देखिए 945 है। सीधी सीधी बात है, इनको जो है ये अवार्ड मिलेगा। और यहां से आप फोटो भी एक सिंबॉलिक फोटो देख सकते हो। हाल में ही द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मियों के लिए कुल कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा करी है? तो देखिए इसका सही और सीधा जवाब है 76, 76 पुरस्कारों की इसकी घोषणा की गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी जो है घोषणा की गई है। यहां से आप जो है फोटो भी एक सिंबॉलिक फोटो देख सकते हो। अगला सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, हाल में ही आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो देखिए इसका जो सीधा सीधा जवाब है मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका जवाब है ऑप्शन ए, नेट ब्यूमन ने इसे जीता है, और ये जो बुक थी वो साइंस फिक्शन थी।
और ये जो पुरस्कार है आर्थर सी क्लार्क, ये जो है आपको ब्रिटेन में जो है पुरस्कार ये दिया जाता है। याद रखिएगा कहाँ दिया जाता है, ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाल में ही चर्चा में रहा हाइड्रोपोनिक क्या है? तो देखिए, हाइड्रोपोनिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, पहले यहां से आप फोटो देख लो ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे, यानी कि प्लांट को जो है आप सॉइल में रखते हो ना, मिट्टी में जो है उगाया जाता है, लेकिन अब जो है अलग अलग घरों में, यानी कि जो बड़े बड़े घर बन जाते हैं, अपार्टमेंट बन जाते हैं, वहां पे जगह की कमी होती है, तो ऐसे में आप जो है एक किसी छोटे बर्तन में भी प्लांट को उगा सकते हो, यानी कि उसे वाटर में ही जो है सारी प्रोसेस मिल जाएगी, आई मीन जो सारे मिनरल्स हैं वो उसे वाटर में ही मिल जाएगा। तो ये ऐसी जो है साइंटिफिक जो है काम किया जा रहा है, पानी में उगाने का ये काम किया जाएगा। सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो पानी में ये उगाने का काम किया जाएगा, यानी कि क्रॉप की एक जो है टेक्नोलॉजी है, फसल की एक तकनीक है। सीधा सीधा जवाब ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले में कौन सी योजना की घोषणा करी है? तो विश्वकर्मा योजना की इन्होंने जो है घोषणा करी थी, आपको भी पता होगा 17 सितंबर से यह लागू होगा। छोटे कामगारों को जो है स्किल सिखाया जाएगा, सीधी सीधी बात मैं अगर करूं, स्किल सिखाया जाएगा ताकि वो, और जो पहले से स्किल सीख चुके हैं उनको अपडेट किया जाएगा नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि ये जो है आगे बढ़ पाए। आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होगी। यहाँ से आप जो है विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के बारे में प्रधानमंत्री यहाँ से बोल रहे हैं, आपको इसकी फोटो भी दिख जाएगी। किस समुदाय के द्वारा नवरोज नववर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब देखिए पारसी समुदाय है, और ये ईरान से जो है भारत आए हुए लोग हैं, ईरान में ही पारसी लोग पहले रहते थे, और अगर मैं एक नाम बताऊं तो आपको आइडिया लग जाएगा, बोमन ईरानी जो है वो पारसी हैं। ठीक है, 3 इडियट में जिन्होंने वायरस का रोल किया था। अब देखिए, राजा जमशेद के जन्मदिवस को जो है नवरोज के तौर पर मनाया जाता है। अब देखिए इसमें किया क्या जाता है, ये जो है पीस और लोगों में जो है शांति आए, लव आए, एक दूसरे को लोग प्यार करें और समृद्धि आए, प्रोस्पेरिटी आए, इसके बारे में यहाँ पे प्रार्थना किया जाता है। यहाँ से आप इसकी फोटो भी, नवरोज की जो फोटो है वो आपको दिखाई पड़ रही होगी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मेटाजीनोम जो सिक्वेटिक टेक्नोलॉजी है, ये इसका उपयोग किस क्षेत्र में, किस फील्ड में किया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। जो देखिए, वैक्सीन और बीमारियों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऑप्शन वगैरह अगर आप देखोगे तो इसका ऑप्शन सीधा जवाब क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए, यानी कि रोगाणु सर्वे, जर्म सर्वे किया जाएगा यहाँ पे, और जर्म सर्वे के द्वारा जो है इस पे काम किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा मायरा ग्रोवर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मायरा ग्रोवर। ये जो महिलाएं हैं, वुमेन हैं, उनके मेंटल हेल्थ हेल्थ के बारे में बात किया जाता है, मेंटल हेल्थ जो है उनकी कैसे ठीक हो, इसके ऊपर इन्होंने काम किया, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क कर यानी कि CBIC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए, नया जो अध्यक्ष है वो जो है संजय कुमार अग्रवाल जी को ये चुना गया है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। लेकिन सवाल ये भी आएगा कि CBIC जो है कब गठित किया गया है, कब से इसकी शुरुआत हुई है? तो 1 जनवरी 1964, यानी कि भारत और जब चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उसके 2 साल के बाद इसका गठन किया गया था। इसमें जो 6 अलग अलग सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष की मदद करते हैं, यानी कि संजय कुमार अग्रवाल की मदद करने के लिए 6 सदस्य जो है टीम होगी। यहाँ से संजय कुमार अग्रवाल की आप फोटो देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल में ही पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है, कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय यानी कि 2 डेज का ये जो है मेला था, और यहाँ पे जो है लाइब्रेरी फेस्टिवल के बारे में बात किया गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसमें जोर किस बात पे दिया गया था, मोटो क्या था इस प्रोग्राम का? तो इस प्रोग्राम का मोटो था कि लाइब्रेरी का जो है डिजिटलाइजेशन किया जाए, लाइब्रेरी के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जाए, ताकि लोग जो है लाइब्रेरी की तरफ मुड़े। अब देखिए क्वेश्चन ये है, लूना 25 मिशन किस देश से संबंधित था? सीधा सा जवाब है रसिया, ऑप्शन सी। देखिए साउथ पोल पे हम लोगों ने जो है सॉफ्ट लैंडिंग करी, तो रसिया हम लोगों से आगे बढ़ने वाला था, इनकी जो मिशन था लूना 25 ये पहले पहुंचने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली क्रैश लैंडिंग हो गई और ये पहुंच नहीं पाया, और इंडिया पहला कंट्री बन चुका है। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही राजस्थान में 3 संभाग और 17 जिलों का गठन किया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो देखिए अभी जो है 10 संभाग बन गए हैं, टोटल जो है संभाग कितने बन गए हैं 10, और टोटल जिलों की संख्या जो है बढ़कर 50 हो गई है। कितनी हो गई है, 50। अब देखिए इन जिलों, एक्चुअली राजस्थान बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे
इन जिलों को अच्छा करने के लिए, इन पे डेवलपमेंट काम करने के लिए जो है 200 करोड़ रुपए का जो है खर्च किया जाएगा। कितने करोड़ का? 200 करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो का अगर आपको लगता है कि ये अगस्त का मैंने आप लोगों को करा दिया, अगर आपको अक्टूबर नवंबर का भी जो है क्लासेस देखना है तो नीचे कमेंट करके जो है आप जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हो, देश का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? आपको ये बताना है, कंट्रीज फर्स्ट ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। तो देखिए इसका सही जवाब देखो क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निराक्षी। इसका नाम क्या रखा गया है? निराक्षी। ये अंडर वाटर ऑटोनोमस क्या है? व्हीकल है जो कि अंदर में जाकर, आप यहां से एक फोटो देख लो ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, यहां से आप फोटो देख लो पहले, ये देखो ये अंडर वाटर व्हीकल है जो कि हमारे बहुत सर्विलांस वगैरह के काम में ये आएगा और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह भी यहाँ पे की जाएगी इसके मदद से। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनेगा? देखिए ये यूनिटी मॉल का मतलब है, यूनिटी जो आपने बचपन में वो बहुत सारी जो है पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी थी जिसमें एक एक लकड़ी दिया जाता था तो बच्चे तोड़ देते थे, और एक लकड़ी का गट्ठर यानी कि पाइल ऑफ अगर वुड्स दे दिया जाए तो वो नहीं टूटता था। तो यूनिटी मॉल का मतलब है राज्य को देश को जोड़ने का काम ये मॉल करेगी। अब इसमें किया क्या जाएगा वो जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इस यूनिटी मॉल में ना हर स्टेट में जो भी चीजें वहां की पॉपुलर है, जो कि हैंडीक्राफ्ट हो या फिर वहां के आम लोगों के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं जो कि एक खास जो है जगह से आती हो, तो ऐसे में इस मॉल में आपको वो सारे सामान जो है कम रेट पे जो है लोकल प्रोडक्ट को यहाँ पे जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा और विदेशों में भी इसे बेचा जाएगा यहाँ से। तो ये जो है अट्रैक्शन बनेगा और सबसे पहले जो है ये मॉल जो है आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन में बना है, याद रखिएगा एमपी के उज्जैन में ये जो है सबसे पहले ये बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, उज्जैन में लिख देता हूँ आपको, महाकाल की नगरी है ये, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहां से जो आप इसकी इमेज देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिए इसके पीछे का भी जो है एक रीजन मैं बता दूं, एक्चुअली स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त को की गई थी, तो इसीलिए जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। और अभी जो है रिसेंटली 2023 में ये जो सेलिब्रेट किया गया है ये इसका 9th एडिशन है, याद रखिएगा ये 9th एडिशन है, और दो आगे जो है और भी से सेलिब्रेट किया जाएगा और चीजों को अच्छे से यहाँ पे किया जाएगा। यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ये जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं यहाँ पे ये गेम खेलते हैं, एक्चुअली ये ओलंपिक ही ओलंपिक की तरह यहाँ पे होता है जहाँ की सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चे शामिल होते हैं, और आपसे पूछा गया है कि इंडिया ने कुल कितने मेडल्स यहाँ पे जीते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब होगा 26 मेडल्स, 26 मेडल्स, और इसका जो सही जवाब है यहाँ देख लो ऑप्शन नंबर डी है, डी के साथ आपको जाना था। ठीक है, 26 मेडल्स हम लोगों ने जीता है यहाँ पे, ये तो अच्छी बात है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया की पोजीशन क्या थी, तो याद रखिएगा इंडिया की पोजीशन थी 7th, इंडिया की पोजीशन क्या रही थी? 7th। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि होस्ट कंट्री कौन सी थी, यानी कि किसने जो है इसे आयोजन कराया था, किस देश ने? तो इसका सही जवाब देखो चाइना होगा, चाइना ने इस गेम्स को क्या किया था यहाँ पे होस्ट किया था। और इंडिया ने टोटल जो 26 मेडल है उनमें से 11 जो है गोल्ड मेडल जीता था, 5 सिल्वर हम लोगों ने यहाँ पे जीता है, और 10 जो है हम लोगों ने ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक यहाँ पे जीता हुआ था। ठीक है, आप अलग से जो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास, यानी कि उनके घर जो टूट गए हैं उनको फिर से जो है बनाया जाएगा, इसको लेकर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा न्यायाधीश यानी कि जस्टिस गीता मित्तल को जो है ये बनाया गया, ये जम्मू कश्मीर की जो है रह चुकी है, और इसमें जो है टोटल और भी जो मेंबर्स होंगे वो 42 मेंबर्स के लिए अलग से कमेटी बनाई गई है जो इन चीजों को अच्छे से एनालिस करेगी कि कैसे जो है इन लोगों के ऊपर जो ये विपदा आई है, ये प्रॉब्लम आए हैं इसको कैसे ठीक किया जा सके। यहां से आप जो है गीता मित्तल की फोटो देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेहरू ट्रॉफी, देखिए नेहरू कप अगर पूछता तो वो फुटबॉल होता, याद रखना नेहरू कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा इस बात को, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है, नेहरू कप फुटबॉल याद रखना है आपको। लेकिन अगर नेहरू ट्रॉफी की बात की जाएगी तो नेहरू ट्रॉफी जो है वो नौका दौड़ से संबंधित है यानी कि बोट रेसिंग से संबंधित है, और ये कहाँ पे किया जाता है? केरला में ये किया जाता है, याद रखिएगा। और ये जो नाव होते हैं ना, आई मीन जो बोट होते हैं वो
कंप्लीटली स्नेक शेप के होते हैं, यानी कि मतलब सांप के आकार के होते हैं। इस बात का यहां से आप जो है फोटो देख सकते हो, ये जो है सांप के आकार के आपको फोटो लंबे लंबे जो है ये बोट आपको दिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और ये जो बोट है इसकी हाइट जो होगी वो 100 फीट की होगी। आप यहां से फोटो भी देख सकते हो, काफी ये बड़े बड़े आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए ये जो है आपको तेलंगाना में लॉन्च किया गया है पहला जो डेटा कृषि वगैरह जो है। एक्चुअली ये क्यों किया जाएगा, इसका सीधा सीधा रीजन है कि जो कृषि से संबंधित डेटा एक्सचेंज है इससे किसानों को फायदा पहुंचे, मानसून पे सीड वगैरह पे यानी कि जो बीज है उस पे जो है रिसर्च की जा सके, और इन्फॉर्मेशन से जो है आपको पता ही है कि कितनी चीजें डेवलप की जा सकती है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए स्टार्टअप की नगरी बेंगलुरु को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, बेंगलुरु में ही आपको ये सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, वेन इज वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेटेड, विश्व आदिवासी दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए 9 अगस्त, 8 अगस्त, 7 अगस्त या फिर 6 अगस्त। तो इसका सही जवाब होगा 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये विश्व आदिवासी दिवस जो है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसका सीधा और सीधा रीजन है कि आदिवासी लोगों को जो है जागरूक किया जा सके। क्या किया जा सके, जागरूक उनके हक के प्रति, और अवेयरनेस जो है उनके अंदर आए, नए नए इंफॉर्मेशन उनको मिल सके, तो इसके लिए जो है विश्व आदिवासी दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चर्चा में रहा रोबोट जो बैंडिकूट है इसका संबंध किससे है। तो देखिए इसका संबंध देखो यहाँ पे आपको ये देखो सीवेज यानी कि जो नाले होते हैं ना उसकी साफ सफाई और रखवाली के लिए जो है, रख रखाव के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हाल में ही जो रामदास अठावले हैं जो कि आदिवासी मिनिस्ट्री को संभालते हैं, और वो जो है इन चीजों को बहुत, उन्होंने संसद पे बहुत बातचीत करी थी, इसलिए ये जो मुद्दा था बहुत हाईलाइटेड था और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में भी बात करी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो कि आपके सामने ये रहा, हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रोकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया। एक्चुअली ये क्या एक डिजीज था, तो ये बताना है आपको कि कौन से देश को जो है ये मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इराक, इसका सही जवाब क्या होगा इराक, यानी कि बी के साथ आपको बढ़ना था। और याद रखिएगा ये 18th सेंचुरी वाली प्रॉब्लम्स है, आई इन्फेक्शन इससे होता था, बट अब जो है बहुत कम जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ से आप फोटो भी देख सकते हो, नॉर्मल आईलेड ऐसा होता है और बैक्टीरिया वाले आईलेड में आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, और इसकी जो सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट है इसके बारे में, यहाँ से स्टैटिक्स जो रिव्यू रिपोर्ट है इसके अनुसार जो एक्सपोर्ट हो रहा है इस मामले में भारत पूरे वर्ल्ड में कौन से पोजीशन पे है, यानी कि हम लोग जो है दूसरे दूसरे देशों को सामान बेचते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं, उसमें भारत की जो स्थिति है वो क्या है, कितने नंबर पे है, 16वें, 17वें, 18वें या 19वें नंबर पे। तो इसका देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 18वें नंबर पे भी इंडिया है। और WTO जो है कब बना है ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे स्टैटिक्स जीके में, तो 1945 में WTO की जो है स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 1945। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। पेन पेपर पे नोट कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि जो है ज्यादा आपको जो है समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो 63, हाल में ही चर्चा में रहा अरास डॉर्स गैस फील्ड विवाद किस दो देशों के बीच में। देखिए अगर आपको लग रहा है ना कि सिर्फ जाति धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाति धर्म के नाम पे बहुत सारे देश एक दूसरे को जो है देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे मसले हैं जहाँ पे दो एक ही कम्युनिटी के लोग जो है आपस में लड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको अभी इस क्वेश्चन के साथ मिलेगा। इसका देखिए जो सही जवाब है वो सऊदी अरेबिया, कतर और ईरान के बीच ये मसला है। यहां से देखो ऑप्शन इराक इरा सॉरी ये जो ऑप्शन सी है, सऊदी अरेबिया, कुवैत और ईरान जो है इसके बीच में जो है लड़ाई चल रही है। क्यों, ऑयल फील्ड को लेकर, लोगों को पैसे चाहिए और ऑयल फील्ड में आपको पता ही है बहुत सारा पैसा है। तो ये तीन देश जो है इस पे अपना जो है अधिकार जमा रहे हैं। कौन कौन इसमें देखिए पार्टी कौन कौन है, कुवैत इसका पार्टी है और सऊदी अरेबिया इसका पार्टी है, जो कि किससे लड़ रहा है, बोल रहा है कि ईरान से भी लड़ रहा है इसमें। और इन लोगों का कहना है कि ये फील्ड हमारा है, और इन लोगों का अपना मानना है कि नहीं भैया ये फील्ड तो हम लोगों का है। फिलहाल इस पे जो भी अपडेट आएगी वो आगे वाले करंट अफेयर्स में हम लोग बताएंगे। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान कौन सा जिला को ये मिला हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो देखिए श्रीनगर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए के साथ आपको बढ़ना है। 15 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी, 15 अगस्त 2019 से ये जो है प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, और ये 2024 तक जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है ये इसी तरह से चलता रहे और लोगों के बीच में अवेयरनेस आए। यहां से आप फोटो भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ जोन ने जीता था, मयंक अग्रवाल, याद रखिएगा मयंक अग्रवाल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा में आप लिख लेना, मयंक अग्रवाल कैप्टन थे साउथ जोन के। अब हारा कौन था, रनर ऑफ टीम कौन रही थी, ये भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। तो रनर ऑफ टीम जो रही थी वो ईस्ट जोन रही थी, याद रखिएगा ईस्ट जोन जो थी यहाँ पे, सॉरी ये ईस्ट नहीं वेस्ट जोन होगा इसका सही जवाब, वेस्ट जोन जो है रनर अप टीम रही थी और मयंक अग्रवाल इसके कैप्टन थे, और वेस्ट जोन के जो कप्तान थे वो सौरभ तिवारी थे, याद रखिएगा ये झारखंड के क्रिकेटर है। आगे बढ़े, और यहाँ से आप जो है ये देखो मयंक अग्रवाल की आपको फोटो दिख रही होगी बीच में, है ना, और कितने लोगों को आप पहचानते हो नीचे कॉमेंट करके बताना। आगे देखिए, हाल में ही लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है 2023 किसे प्रदान किया गया, ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं और इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है। इससे पहले मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और भी बहुत सारे, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों को जो है ये अवार्ड दिया जा चुका है। और 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो है पुण्यतिथि होती है, इसलिए जो है ये पुरस्कार 1 ही अगस्त को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आप जो है लोकमान्य बाल गंगाधर की जो कैप है, स्पेशल कैप है ये पहना करते थे, वो कैप के साथ आपको मोदी जी की फोटो दिखेगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किस देश को मनकुराड़ आम के लिए, ये आम की प्रजाति है, जीआई टैग मिला है। जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, यानी कि ये इसी प्रदेश से संबंधित है, जैसे बांस के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आसाम से जो है एसोसिएटेड होते हैं, तो इसी तरह से मनकुराड़ आम को जो है गोवा के लिए जो है ये जीआई टैग मिला हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, गोवा के लिए जो है। यहां से आप फोटो भी शायद आम की मैंने लगाई है, हाँ ये देख लो, ये आम की प्रजाति आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, किस देश के ऑलराउंडर मोइन अली ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो देखिए इसका सही जवाब है इंग्लैंड, और एक और क्रिकेटर है स्टुअर्ट ब्रॉड, उन्होंने भी जो है इंग्लैंड से ये खेलते थे, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहे थे ये, इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है, इन्होंने कह दिया रिटायर हो गए हैं यहाँ से, आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। मोइन अली एक्चुअली पहले रिटायर हो गए थे, लेकिन ये जो बेन स्टोक है कैप्टन है, उन्होंने जो है इनको फोर्स किया कि प्लीज आप जो है एक बार एसएस खेल लें, उसके बाद आप संन्यास ले लेना। आगे बढ़ते हैं, टाटा स्टील के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। टाटा स्टील के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे बनाया गया है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा टीवी नरेंद्रन, ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा 5 साल के लिए इनको ये बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन, यानी कि ये कहां होगा, हेल्ड कहां होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिलकर इसे जो है होस्ट करेगा, इसमें पहली बार जो है 20 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेगी, याद रखिएगा ये दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे 20 टीमें एक साथ खेलेगी इस वर्ल्ड कप में। आगे बढ़ते हैं, एसएस सीरीज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इंग्लैंड में किया गया था। जीता कौन था, तो ये तो बराबर पे रुका था, आपको पता है 5 टेस्ट मैच खेले जाते हैं, 2-2 से ये बराबरी पे खत्म हो गया था, लेकिन याद रखना है अभी भी जो है एसएस ट्रॉफी जो है किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि आपके सामने यहाँ ये जो है एसएस आपको यहां से दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, इनमें से किस राज्य में मचेल माता का जो है वार्षिक तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में वैष्णो मंदिर भी है और यहाँ पे जो है मचेल माता का भी जो है ये तीर्थ यात्रा किया जाता है और ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। 1981 यानी कि 1981 से इसकी शुरुआत हुई थी, आप यहाँ से इसकी फोटो देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अमेजोन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर मतलब कि पानी में तैरता हुआ सेंटर कहाँ इसकी शुरुआत की गई थी, किस जगह पे, तो देखिए इसका सही जवाब होगा जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से आप फोटो देख सकते हो, ये देखो अमेजोन की आपको जो है पार्सल भी दिख रही होगी यहाँ पे, तो ये जो है फ्लोटिंग सेंटर इसकी शुरुआत की गई थी कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, ये था अगस्त का करंट अफेयर्स, आपको अगर सितंबर का देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आगे अक्टूबर का भी अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके अक्टूबर लिख दीजिएगा, जुलाई का चाहिए तो जुलाई का भी लिख दीजिएगा, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।